दोस्तों इंग्लिश में एक कोट है, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशन। पहले के टाइम पे क्या होता था कि यदि एक बेबी दोस्तों बोर्न होता था ना, बेबी पूरी रात यदि नहीं सोता था ना, तो उनकी माता यानी कि उनकी मदर भी पूरी रात नहीं सोती थी। ये मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। पूरी रात दोस्तों मदर यहाँ पे अपने बच्चे की रात को ना वो पहरेदारी कह लो, देखना कह लो, वो पूरी रात दोस्तों चलता था कि मदर पूरी रात यहाँ पे जग के देखती रहती थी कि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना, सो रहा है ना अच्छे से, जो भी उनका छोटा सा जब अर्ली एज में बेबी होता है। तो आज के टाइम पे दोस्तों मदर भी मॉडर्न हो चुकी है, तो मदर को ये बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं चाहिए कि मेरी नींद ख़राब हो बेबी के कारण। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशन। तो ये दोस्तों जो प्रॉब्लम है इनके रिगार्डिंग बहुत सारे सर्विसेज बिल्ड हो रही है, इनके रिगार्डिंग बहुत सारे बिजनेसेस बिल्ड हो रहे हैं। एक प्रोडक्ट है दोस्तों यूएस में रिसेंटली चली है, यहाँ पे आपको यूआरएल बता रहा हूँ, www.harbor.co है। harbor.co दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट बेबी मॉनिटर के डिवाइस बेचते हैं। स्मार्ट बेबी मॉनिटर डिवाइस यानी कि यदि एक्स वाई जेड मदर को कहीं पे जाना है, कहीं पे यदि उन्हें अपने बच्चे को छोड़ के जाना है खास करके, तो वो अपने बच्चे को ना एक ये harbor.co वाले एक स्पेस ही देते हैं। तो स्पेस में वो बच्चे को रख देना है और स्पेस अच्छी खासी टेक्नोलॉजी वाली दोस्तों सब चीज़ है। तो एक टाइप का जो हमारे यहाँ पे वर्ड यूज होता है पारणा, बच्चा को झूलाने के लिए जो झूला होता है पारणा, तो पारणा भी साथ में देते हैं और पूरा दोस्तों बच्चे का मॉनिटरिंग होता है। अपनी मदर को ये पूरा एक्सेस मिलता है मोबाइल फ़ोन से, वो देख पाती है कि मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा है, ठीक है नहीं है। तो आज टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है, जो पहले के टाइम पे मदर खुद पारणे या फिर झूला जो भी कह लो के पास रह के देखती रहती थी, या टेक्नोलॉजी के थ्रू मोबाइल फ़ोन से दोस्तों ये चीज़ देखी जा रही है। यदि मदर कहीं दूर गई है या फिर मदर सो रही है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि एक्स वाई जेड बेबी ना एक्स वाई जेड टाइम से ज़्यादा रात में यदि वो रोता है, जैसे क्राई करना, एग्जैक्ट वर्ड है क्राई करना। जब दोस्तों बेबी छोटा होता है यहाँ पे अपनी कुछ एज है, इसमें इसके पीछे ना दोस्तों बहुत सारा आपको एजुकेशन भी यहाँ पे लेना पड़ता है। यदि आपका बच्चा है तो एज 0 to 1 या फिर 1 to 2 में क्या होता है कि बच्चे का एक नॉर्मल बिहेवियर है क्राइंग बिहेवियर, कि वो रात को एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे क्राई करता ही है। यदि उनसे ज़्यादा बार क्राई करता है तो अबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है, लेकिन एक दो बार तीन बार रात में क्राई करता है टोटल तो वो नॉर्मल बिहेवियर माना जाता है। तो ये डिवाइस दोस्तों इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो मॉनिटरिंग करते हैं। यदि बेबी 3 बार से ज़्यादा क्राई करेगा तो वो नोटिफिकेशन अपनी मदर को चली जाएगा, जो अपनी मदर ने फ़ोन पास में रखा हुआ है, और फिर मदर आके देखेगी कि क्या अबनॉर्मल बिहेवियर है। तो दोस्तों ये टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही है, और ये टाइप की टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे हेल्प भी हो रही है, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशन। एक बंदा है दोस्तों जैक स्मिथ करके, जैक स्मिथ ने ना अपना एक एड नेटवर्क का बिजनेस बनाया था, इंटरनेट बिजनेस, और जैक स्मिथ ने $800 मिलियन अपना एड नेटवर्क का यहाँ पे कह लीजिए बिजनेस को बेचा था। तो $800 मिलियन यानी कि 5-6 हज़ार करोड़ में अपना बिजनेस बेचा होगा, और अपने पास इतना पैसा आ गया था, इक्विटी किसी और को भी दी होगी कि वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है फिर। तो जैक स्मिथ का दोस्तों जब बच्चा हुआ ना, तो जैक स्मिथ के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। harbor.co ने रिसेंटली $3.7 मिलियन की फंडिंग उठाई है, बिल्कुल नया इनोवेशन है। जैक स्मिथ क्या करता था, जैक स्मिथ ने खुद जुगाड़ लगाया था, इंडिया से एक बंदे को हायर किया था जैक स्मिथ ने, इंडिया से। अब इस हिसाब से जुगाड़ किया टेक्नोलॉजी का, कैमरा लगाए, मोबाइल लगाए, और रात को इंडिया में वो एक्स वाई जेड पर्सन को $1,000 देता था महीने का। और वो यहाँ से जो इंडिया से वो देखने वाला पर्सन था वो सिर्फ ऑब्जर्वर था, मॉनिटर था, वो देखता था मैन्युअली पूरी रात कि बच्चा 3 बार से ज़्यादा टाइम तो क्राई नहीं कर रहा है ना, यदि वो 3 बार से ज़्यादा टाइम क्राई कर रहा है फिर यहाँ पे कॉल करके या फिर एक्स वाई जेड नोटिफिकेशन के थ्रू जैक स्मिथ को बताया जाता था। तो जैक स्मिथ ने खुद इसी टाइप का जुगाड़ लगाया था, इंडिया से मॉनिटरिंग के लिए दोस्तों हायर किया था, क्योंकि इंडिया से चीप कॉस्ट में कह लीजिए 8 घंटे के लिए डेली हमारे लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी बात है यार, सिर्फ आपको देखना है कैमरे के थ्रू कि बेबी सो तो नहीं रहा है ना, बेबी यहाँ पे रो तो नहीं रहा है ना, क्राई नहीं कर रहा है ना, और $1,000 मिल रहा है यानी कि ₹80,000 दोस्तों महीने का मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है भारत के हिसाब से। लेकिन यूएस में कोई नहीं करेगा $1,000 के लिए, यूएस में 8 घंटे रात को कोई भी नहीं ये सर्विस देने को रेडी होता है। तो जैक स्मिथ ने खुद दोस्तों ये यहाँ पे कह लीजिए
जुगाड़ लग गया था। और जैक स्मिथ के बारे में दोस्तों मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक ग्रेट इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है जैक स्मिथ। अपनी अर्ली एज में ये बंदे ने बहुत सफलता हासिल कर ली, एट द एज ऑफ 20 से ही असलर रहा है। और स्टार्टिंग के टाइम पे ना ये टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग एक नर्ड था, खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि एप्पल के प्रोडक्ट ले पाए। तो एप्पल की ना दोस्तों एक पॉलिसी चलती थी, आज भी चल रही है, ऑफर चलती थी कि एप्पल के प्रोडक्ट आप कुछ भी लेके आ सकते हो एप्पल स्टोर से, विद इन 7 डेज रिटर्न हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अच्छा खासा चलता था, जैक स्मिथ जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट अच्छे लगते थे सब लेके आता था, फिर खुद यहाँ पे ओपन करके चीज़ें देखना था कि ये प्रोडक्ट में क्या टेक्नोलॉजी है, विद इन 7 डेज प्रोडक्ट को वापस पैक किया और यहाँ पे दे दिया। तो इस हिसाब से ये बंदा अपने 20 अर्ली 20s यानी कि एट द एज ऑफ 15-16 से ही असल करके एट द एज ऑफ 29 बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेता है। मैं रिसेंटली दोस्तों बता रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा था कि ये बंदा आज के टाइम पे कर क्या रहा है, क्योंकि यार इंटरनेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो कभी भी यहाँ पे स्थिर नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ नया करते ही रहते, वो क्यूरियस होते हैं। पिछले एक साल से दोस्तों जैक स्मिथ यहाँ पे चीज पे काम कर रहे हैं, और वो चीज़ कौन सी है बताए? जैक स्मिथ दोस्तों काम कर रहे हैं चेयर पे, जैक स्मिथ चेयर पे काम कर रहे हैं। जैक स्मिथ का कहना है ज़्यादातर दुनिया में जो लोग हैं वो अपना टाइम एक चेयर पे बिताते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड पर्सन अपना 6 से 8 घंटा यदि चेयर पे बिता रहा है, चेयर को लेके क्या हम मैक्सिमम इनोवेशन कर सकते हैं, एक चेयर को लेके क्या हम मैक्सिमम यहाँ पे चीज़ें बना सकते हैं, चेयर को लेके हम यहाँ पे क्या मैक्सिमम ह्यूमन को बेनिफिट दे सकते हैं, उस टाइप की चेयर बनानी है। तो बंदा एक साल से दोस्तों सिर्फ चेयर पे ही काम कर रहा है, कुछ और कर ही नहीं रहा है, सिर्फ चेयर चेयर पे वर्क कर रहा है। ये रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे जैक स्मिथ का कह लीजिए नया प्रोजेक्ट है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीज़ें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉरपोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहाँ पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहाँ पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विद इन 24 आवर आपको डेटा बेस्ड यहाँ पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू जो मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी, नाउ बैक टू एपिसोड। आगे दोस्तों मैं बता रहा हूँ यूनिक बिजनेस आइडिया में यहाँ पे एक टाइप के आर्बिट्रेज के बारे में बात करेंगे। आर्बिट्रेज दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली सोल्ड आउट होने वाली दोस्तों बुक में से एक बुक होती है, बच्चों को रीडिंग सिखाने वाली बुक, बच्चों को रीडिंग सिखाने वाली बुक। एक बार वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप इस वर्ड को फोकस में लेके आओ कि बच्चे रीडिंग कैसे यहाँ पे करेंगे, बच्चे रीडिंग लर्न कर ले, इस टाइप की बुक आती है। थोड़ा बहुत इमेज, थोड़े बहुत इलुस्ट्रेशन सब ऐड करके बच्चों को रीडिंग सिखाई जाएगी, वही बुक आती है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग दोस्तों ये चीज़ कर रहे हैं, जो रिटन फॉर्म में, जो आर्टिकल फॉर्म में उनको ट्राई करते हैं आइधर वीडियो में कन्वर्ट करने का, जो ग्रेट कंटेंट है, ग्रेट चीज़ें आइधर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन में। तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों मैं देख रहा था यहाँ पे जो इस टाइप के बुक को कन्वर्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में, और $500 दोस्तों उन्होंने प्राइस रखा हुआ है एप्पल स्टोर पे, $500 इस टाइप की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। $500 यानी कि इंडियन करेंसी में दोस्तों ज़्यादा है, वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा नहीं है, जो टॉप कैटेगरी के अमेरिकन लोग है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अमीर है। एवरेज नेटवर्थ है $10 मिलियन $20 मिलियन के आसपास, 80-100 करोड़ के मालिक है दोस्तों, उनके लिए ये $500 कुछ भी नहीं है, वो भी अपने बच्चे पे स्पेंड करना। तो ये एक नया दोस्तों आर्बिट्रेज टाइप की चीज़ है जिसपे आप भी फोकस कर सकते हो कि
फॉर्म को चेंज करना, टेक्स्ट है तो उन्हें वीडियो में डालना या फिर कोई डिजिटल एसेट्स बनाना और फिर उन्हें बेचना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे लेटेस्ट चीजों के बारे में। यूनिक बिजनेस आइडिया की सीरीज है www.yeschat.ai। AI पावर्ड दोस्तों मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, AI पावर्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यानी कि ये एक टाइप का कंपटीटर बना रहे बेटर हेल्प का। बेटर हेल्प दोस्तों यहाँ पे मेंटल हेल्थ की रियल लाइफ मैनुअल सर्विस है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेकर, साइकोलॉजी प्रॉब्लम, XYZ प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, तो आप थेरेपी ले सकते हो, ऑनलाइन आपको कोच मिल जाएगा। ये betterhelp.com दोस्तों सालाना $1 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है। तो $1 बिलियन का रेवेन्यू करने वाला कोई बिजनेस यदि है, उनके दोस्तों बहुत सारे रेप्लिका बनाए जा सकते हैं और आप इनफ पैसा बना सकते हो। तो यस चैट दोस्तों यही कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि बेटर हेल्प का यहाँ पे रेप्लिका बनाया जाए, लेकिन AI का यूज़ करके, क्योंकि बड़े प्लेयर का दोस्तों यदि आप 1-2% भी मार्केट खा जाते हो ना, तो आप इनफ पैसा बना लेते हो। तो एक ये थिंकिंग है, बड़े प्लेयर का 1-2% खाना है, इनफ पैसा दोस्तों आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे। तो आज का दोस्तों एपिसोड यहाँ पे अभी एंड होता है। यदि आपको मोर दोस्तों ऐसे एपिसोड चाहिए, हमारा सबसे ज़्यादा रिसर्च ना यूनिक बिजनेस आइडिया पे लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूनिक बिजनेस आइडिया में आपको कुछ ऐसा बताना है, कुछ नया बताना है, पहले आपने कभी नहीं सुना हुआ होता है, तो रिसर्च ज़्यादा लगता है। यदि आपको मोर ऐसे एपिसोड चाहिए दोस्तों, कमेंट में मोर एपिसोड लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।